हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो यार, जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि वीआर गेम और निकी भाई के दरमियान एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जिसकी वजह से आईएट क्रिप्टो भी वीआर गेम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोड़ चुके थे। तो अब इसी कॉन्ट्रोवर्सी के रिलेटेड एक वीडियो शेयर करते हुए निकी भाई ने कहा कि सारी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो वो उसके रिलेटेड क्या बात करते हैं उनकी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो में वर्क प्लेस हरेसमेंट का एक इशू उठाया था और बताया था कि जमाल सुहेल नाम के एक बंदे ने मुझे हरेस करने की कोशिश की। वीडियो का मकसद सिर्फ माफ़ी मंगवाना था, अपॉलोजी चाहिए थी मुझे, लेकिन अपने रिस्पांस वीडियो में जमाल सुहेल ने वी आर गेम के प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मेरे पे ना सिर्फ फॉल्स एक्यूजेशंस बल्कि डिफेमेशन और करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश भी की गई। आई टुक द मैटर फर्दर, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जमाल एक्सेप्टेड एवरीथिंग एंड ही अपोलोजाइज्ड फॉर इट। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मामला मेरा जमाल के साथ था डायरेक्ट, जो कि रिजॉल्व हो गया है, ही अपोलोजाइज्ड फॉर दैट, लेकिन वी आर गेम का नाम इसमें नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। थैंक यू। तो यार, जमाल शाहिद ने अपोलोजी करते हुए जो वीडियो शेयर की है वी आर गेम की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की गई थी हमारी कुलीब की जानिब से, जिसके अंदर उन्होंने हमारे वर्क प्लेस इशूज़ को एड्रेस किया था और मुझे सिवियरली क्रिटिसाइज किया था फॉर माई परसीव्ड बिहेवियर। एंड एज अ रिएक्शन एंड आउट ऑफ एंगर मैंने भी एक वीडियो अपलोड की टू रिफ्यूट हर क्लेम्स। एंड अपॉन रिफ्लेक्शन एंड एज टाइम पास्ड बाय, मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो रिएक्शन था दैट वॉज ओवरसाइज्ड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो मैंने अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं। और जब मैंने वो वीडियो दोबारा देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे अल्फाज का चुनाव है वो शायद बात को उनके करेक्टर पे लेकर जा रही थी, बट आई नेवर मेंट दैट और मेरी हरगिज़ इंटेंशन नहीं थी। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, आई वुड लाइक टू इशू एन अपॉलोजी टू तहिया निकी बे। थैंक यू। तो यार, इनकी जो कंट्रोवर्सी थी वो तो सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो देखते हैं कि क्रिप्टो इनको दोबारा ज्वाइन करते हैं या नहीं। बका इसी के साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज है वो अलादीन वाइटी से रिलेटेड है। तो यार, रिसेंटली अलादीन वाइटी ने अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरी शेयर करते हुए पबजी मोबाइल पाकिस्तान और पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स को टेक करते हुए लिखा कि जंप प्लस पंच के बाद जो साउंड वाला ग्लिच है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसी के रिलेटेड उनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि ये बग या कोई ग्लिच वगैरह नहीं है, पबजी मोबाइल के मैकेनिक्स है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए अलादीन कहते हैं कि अगर ग्लिच और बग सेव नहीं कर सकते तो उसको मैकेनिक्स का नाम दे दो। वेरी रियलिस्टिक। यार, आपका इसके रिलेटेड क्या कहना है, बग्स हैं या पबजी मोबाइल के मैकेनिक्स ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। यार, इसी के साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज है वो क्रिप्टो से रिलेटेड है। तो यार, रिसेंटली लीक निकल के आ रही है जो क्रिप्टो है वो यूएलओ टीम ज्वाइन करने वाले हैं। यूएलओ यूरोप की एक टीम है जिसका फुल नेम यूनिकॉर्न ऑफ लव है। तो इसके रिलेटेड कोई कंफर्मेशन वगैरह क्रिप्टो या यूएलओ टीम की तरफ से तो नहीं आई है, लेकिन ये जस्ट लीक्स हैं। तो इसके रिलेटेड अगर कोई कंफर्मेशन वगैरह आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बकाया 70-80% तो यही है कि क्रिप्टो यूएलओ टीम ज्वाइन करेंगे। और यार, इसी के साथ साथ आईएसएफ की जो वर्ल्ड लीग होती है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है पाकिस्तान रीजन की, जो कि 24 जून तक चलेगी। तो यार, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। बकाया यार, आज के लिए मेरे पास आप सबके लिए इतनी न्यूज़ थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बकाया मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।